नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चीन में मिली दंपतियों को दो बच्चे रखने की अनुमति। चीन ने दशकों पुरानी एक बच्ची की अपनी विवादास्पद नीति को निरस्त कर दिया। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में अब सभी दंपतियों को दो बच्चे रखने की अनुमति मिल गई है। पहले उन्हें केवल एक ही बच्चे की अनुमति थी। यह एक ऐसा कदम है जिसमें वैश्विक तौर पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चार दिन तक चली बैठक के बाद अपने यहाँ के नागरिकों को दो बच्चे पैदा करने की छूट देने का फैसला लिया गया। अमित शाह ने कहा कि बिहार में भाजपा हारी तो पाक में होगी आतिशबाजी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अगर उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में हार जाती है तो पाकिस्तान में जमकर आतिशबाजी होगी। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने भाजपा नित राजग के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि क्या वे चाहते हैं कि पाकिस्तान में आतिशबाजी हो। उन्होंने कहा कि क्या आप जंगल राज 2 की वापसी चाहते हैं? अगर किसी गलती की वजह से भाजपा हार जाती है तो हार जीत तो बिहार में होगी लेकिन पटाखे पाकिस्तान में छोड़े जाएंगे। हरभजन की शादी में पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की, कैमरे छीने। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह और सिनेतारिका गीता बसरा की गुरुवार को दिन में हुई हाई प्रोफाइल शादी रात होते होते उस वक्त विवादों में घिर गई जब भज्जी के आवास पर उनके बाउंसरों ने मीडिया कर्मियों के साथ न केवल धक्का मुक्की की बल्कि उनके वीडियो कैमरे भी छीन लिए। दरअसल दिन में समाप्त हुए वैवाहिक कार्यक्रम के बाद घर पर रस्में अदा की जा रही थी और फोटो पत्रकार और टीवी चैनलों के कैमरामैन इसकी तस्वीरें लेने तथा रिकॉर्डिंग करने वहां गए थे। पत्रकारों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बाउंसरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।